ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 मार्च की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो यह राशिफल सिंह राशि के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे, जैसे सिंह राशि का कैरियर, शिक्षा, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ। सिंह राशि के लिए जीवन से जुड़े हुए हर पहलू हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ खास उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो जीवन में हर कष्टों से आपको निवारण देखने के लिए मिलेगा, मुक्ति देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले बात करें सिंह राशि वाले जातकों, आपके राशि में ग्रह स्थिति मार्च के महीने में कैसे बन रही है। तो देखिए, सूर्य देव जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं वो कुंभ राशि में रहेंगे, राहु देव वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव बुधदेव, ये तीन ग्रह मकर राशि में रहने वाले हैं, मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। अगर आपके राशि में बात की जाए तो सूर्य और शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सूर्य देव का 15 मार्च को राशि परिवर्तन होगा, तो आपके राशि के सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे। आपके राशि के सिक्स हाउस यानी रोग भाव में बुध, गुरु और शनि तीन ग्रह रहने वाले हैं। केतु चतुर्थ हाउस में राहु और मंगल की युति आपके राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव में बनी हुई है मार्च की शुरुआत में। तो आइए अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाएं कैरियर में बनने जा रही हैं। कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से यह दोनों स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी, दोनों में आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलने जा रहा है। सबसे पहले अगर आपकी राशि में देखा जाए तो कर्म भाव में ही राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, जिससे इस समयावधि में बेहतर संभावनाएं जीवन में उत्पन्न होंगी। आपके राशि के स्वामी की शुभ दृष्टि लगन में जा रही है, जिससे आप ऊर्जा से काफी ज्यादा भरे हुए रहेंगे। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास काफी ज्यादा जीवन में बढ़ा हुआ रहने वाला है। हर कार्य को करने के लिए आप पूर्ण रूपेण समर्थ हो जाएंगे। मार्च के महीने में 1 से 15 मार्च का समय थोड़ा मेहनत की ओर इशारा कर रहा है, संघर्ष ज्यादा देखने के लिए मिलने जा रहा है। 15 से लेकर 31 मार्च का समय आपकी आशा के अनुरूप रहने वाला है, यानी 15 से 31 मार्च के समयावधि में जब सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने वाला है तो यहां पर बेहतर संभावनाएं जीवन में देखने के लिए आपको मिलेंगी। यदि पूर्व के समय से आपको जॉब में या निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। ऐसे जातक जो जीवन में नए कार्यों का प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें बड़े अवसर जीवन में देखने के लिए मिलते हुए नजर आने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। कानूनन मामलों में यदि आप उलझन का सामना करना पड़ रहा है, उसमें विजय की संभावना जीवन में देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में अगर सिंह राशि वाले जातकों के शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, कैसी संभावनाएं बन रही है, तो देखिए, राशि के पंचम हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के जो अधिपति हैं वो राशि के सिक्स हाउस में विराजमान है, यानी रोग भाव में है, अशुभ घर में है, जहां पर आपको शिक्षा में बाधाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। मन में घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बार बार ध्यान भटक सकता है, ऐसी संभावनाएं बनने की आशंका दिखाई दे रही है। इस पर आपको यह ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी कि यदि आप शिक्षा में संलग्न हैं तो किसी भी प्रकार के डाउट को उत्पन्न करके जीवन में आपको नहीं चलना है, आप सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ना है। संगति पर विशेष रूप से ध्यान रखकर जीवन में चलें, वे वजह मन में तनाव को लेकर आप जीवन में ना चलें। अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन आपको ध्यान करना या गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम रहेगा। आर्थिक पक्ष से कहा जाए तो यह महीना बहुत ही शानदार है। इस महीने धन के दृष्टिकोण से संभावनाएं उत्तम बनती हुई नजर आ रही है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग दिखाई दे रहा है। इस महीने रुका हुआ धन प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए सिंह राशि वाले जातकों को मिलेगी। आमदनी के सोर्स में वृद्धि होगी,
आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना जीवन में बनने जा रही है। हालांकि खर्च में भी आप काफी ज्यादा तेजी लाएंगे, खर्च करते हुए नजर आने वाले हैं। बेवजह खर्च आपके जीवन में होते हुए नजर आएंगे। खर्चीली प्रवृत्ति पर भी आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। खर्च इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं, भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, मजबूत हो, इसके लिए आपको धन का सही इस्तेमाल करके जीवन में जरूर चलना चाहिए। इस समयावधि में अगर सिंह राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो राशि के पंचम हाउस से प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। प्रेम जीवन में नोक झोंक और खटपट देखने के लिए मिल सकती है, वाद विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो मार्च का महीना बहुत ही शानदार आपके लिए 15 मार्च तक नहीं रहने वाला है। 15 मार्च के उपरांत स्थितियां वैवाहिक जीवन में काफी सुखद बनती हुई नजर आएंगी। दाम्पत्य सुख जीवन में बढ़ेगा, साथ में आपको जीवन साथी का सहयोग देखने के लिए मिलेगा और अनुकूल संभावनाएं जीवन में दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों को उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है। इस समयावधि में अगर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो मार्च के महीने में परिवार का समन्वय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि कई प्रकार से सहयोग आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगा। परिवार के लोग आपके लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हैं। परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार में आप धन का व्यय करते हुए नजर आएंगे। परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को खरीदते हुए भी आप इस महीने नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए तो सिंह राशि वाले जातकों, यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके रोग भाव में 3 ग्रहों की युति बनने जा रही है, जिसमें आपको मिला जुला परिणाम देखने के लिए मिलेगा। यदि पूर्व के समय से आपको किसी भयंकर बीमारी से सामना करना पड़ रहा है, उससे कष्ट की संभावना उत्पन्न हो सकती है। नेत्र में विकार उत्पन्न हो सकता है, पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस पर आपको पर्याप्त नींद लेना, भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। प्रत्येक दिन योग ध्यान प्राणायाम कर सकते हैं, इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर बनेंगी। तो अब आइए हम आपको आपके लिए कुछ खास उपाय की अगर बात करें कि तो देखिए, प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्घ देना, जल अर्पित करना उत्तम रहने वाला है। खास तौर से विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कर सकते हैं। गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुस्तक, चावल, इन विषयों का दान आप जरूर कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने जाएं तो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर ही जीवन में आप जाएं। माताओं बहनों का पूर्ण रूपेण सम्मान करके जीवन में आप आगे चलें। इससे आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी और जीवन में हर क्षेत्र में आप सफल होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।